स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा जिसे लेकर लोग ढेर सारी बातें करते हैं। हम भागती दौड़ती दुनिया में रहते हैं, हमेशा करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। नौकरी, लोगों से मेल मुलाकात, परिवार और दोस्तों की परवाह, ईमेल और फेसबुक चेक करना, मोबाइल और ओटीटी प्लेटफॉर्म से दिन भर चिपके रहना। तेज रफ्तार जिंदगी एहसास कराती है कि मानो हम किसी ऐसी कन्वेयर बेल्ट पर हों जिसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां हमेशा कुछ ज्यादा पाने की चाहत होती है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो लगातार घट रहा है, और ये है हमारी नींद के घंटे। जब हम दोस्तों से पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो अक्सर जवाब मिलता है, हम थके हुए हैं। नींद की कमी को लेकर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि क्या थकान का हमारी नींद से कोई रिश्ता है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, गहरी नींद। करीब 7 महीनों तक मैं रातों को जागकर काम करता था। स्नातक छात्र के रूप में अगर आपको इस तरह का काम पूरा करना हो तो आप में एक लगन होनी चाहिए। हमारे पहले एक्सपर्ट डेविड सैमसन जब छात्र थे तब अपनी नींद भुला चुके थे। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो जीव विज्ञानी हैं और सुदूर इलाकों का खूब दौरा करते हैं। वनमानुष को सोते हुए देखने के लिए उन्होंने करीब 2000 घंटे की वीडियोग्राफी का विश्लेषण किया। डेविड क्रमिक विकास और नींद के बीच की कड़ी को समझना चाहते थे। वनमानुष 9 से 16 घंटे के बीच सोते हैं। डेविड सैमसन ने इसके आधार पर एक मॉडल तैयार किया और अनुमान लगाया कि अगर इंसानों का विकास क्रम दूसरे बड़े बंदरों से अलग न हो तो उनसे कितने घंटे की नींद लेने की उम्मीद की जाए। इंसानों को 24 घंटे में तकरीबन 10.3 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यकीनन हम ऐसा नहीं करते। औसतन हम 6 या 7 घंटे की नींद लेते हैं। डेविड बताते हैं कि गहरी नींद कई मायने में फायदेमंद है। इससे याददाश्त बेहतर होती है और भावनाओं पर काबू पाने में मदद मिलती है। संक्षेप में कहें तो इंसान बड़े बंदरों के मुकाबले कम सोते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा गहरी नींद लेते हैं। डेविड सैमसन की रिसर्च के मुताबिक ये बदलाव 18 लाख साल पहले हुआ, जब हमारे पुरखे पेड़ से उतरकर नीचे रहने लगे। तब उन्हें पेड़ से गिरने का डर नहीं था। झोपड़ी और आग की खोज ने नींद बेहतर करने में मदद की। कम वक्त तक सोने का मतलब यह है कि हमारे पास दूसरे काम करने के लिए ज्यादा समय होता है। डेविड सैमसन ने हमारे पूर्वजों की नींद का पैटर्न समझने के लिए फिटबिट नाम के मॉनिटर का इस्तेमाल किया। इसे तंजानिया की एक जनजाति के लोगों की कलाई पर बांधा गया। They are sleeping around 6-6.5 hours. वो रात में 6 या 6.5 घंटे सोते हैं। दिन में वो कुछ वक्त के लिए झपकी लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनमें से ज्यादातर लोग 24 घंटे के दौरान 7 घंटे सोते हैं। तंजानिया के उन लोगों से डेविड सैमसन ने सवाल किया कि क्या उन्हें नींद को लेकर कोई दिक्कत महसूस होती है। जवाब मिला, नहीं। डेविड ने मेडागास्कर के किसानों पर भी नजर रखी। उनमें से भी ज्यादातर लोग 7 घंटे की ही नींद ले रहे थे, लेकिन यहाँ करीब 60% लोगों ने नींद को लेकर शिकायत की। डेविड बताते हैं कि मेडागास्कर के किसान टाइम टेबल का सख्ती से पालन करते हैं। वो एक खास समय पर जागते, तय घंटे तक काम करते और तय वक्त पर ही सोते। दूसरी तरफ तंजानिया के जनजातीय लोगों का अंदाज अलग है। उनके जीवन में ज्यादा लचीलापन है, खासकर उनके काम के वक्त को लेकर। कहीं ना कहीं इसका रिश्ता इस बात से भी है कि उनके साथ
नींद से जुड़ी दिक्कतें नहीं हैं, जबकि वो ज्यादा नहीं सोते। औद्योगिकीकरण ने इंसानों की नींद पर असर डाला, लेकिन कैसे, आगे जानते हैं। पार्ट टू, आधी रात। This is Roger Ekirch. I am a professor of history at Virginia Tech. हमारे दूसरे एक्सपर्ट रोजर इकर्च अमेरिका के वर्जीनिया टेक में इतिहास के प्रोफेसर हैं। 1980 के दशक के मध्य में वो औद्योगिकीकरण से पहले की नाइट लाइफ पर एक किताब लिख रहे थे। ये वो दौर था जब बिजली नहीं थी। तमाम लोगों की तरह रोजर भी मानते थे कि हम अभी जैसे सोते हैं, इंसान हमेशा वैसे ही सोते रहे हैं, यानी एक ही बार में नींद पूरी करते हैं। लेकिन अध्ययन के दौरान अलग जानकारी सामने आई। I began coming across references to a... मुझे फर्स्ट स्लीप यानी नींद के पहले झोंके के बारे में जानकारी मिलने लगी। इसका जिक्र ऐसे था जैसे ये आम बात रही हो। उसके बाद दूसरी झपकी की बात सामने आई। अहम ये था कि लोग आधी रात के बाद उठते और जिन बातों की कल्पना की जा सकती थी वो सारे काम करते। वो बताते हैं कि चार्ल्स डिकेंस से लेकर टॉलस्टॉय और यूरोप के लगभग हर प्रमुख उपन्यासकार ने नींद के इस पैटर्न का जिक्र किया है। लोग पहली और दूसरी नींद के बीच जो करते थे वो बात सबसे ज्यादा दिलचस्पी जगाती थी। It was an ideal time. कुछ लोगों के लिए ये ध्यान लगाने का सही समय था। वो हाल में देखे गए सपनों के बारे में सोचते। उनके पास ऐसा कोई और समय नहीं होता था जहां इतनी खामोशी हो, इतना अंधेरा हो, इतने निजी पल हो। गर्भ धारण करने के लिहाज से ये प्राइम टाइम था। 16वीं शताब्दी के फ्रांस के फिजिशियन जुबेर के शब्दों में कहें तो इस वक्त कपल ज्यादा बेहतर अनुभव और आनंद हासिल करते थे। आनंद की बात तो ठीक है, लेकिन क्या उस वक्त भी लोग खुद को थका हुआ महसूस करते थे? They did, though not because their sleep was segmented. हाँ, वो थकान महसूस करते थे। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो दो हिस्सों में नींद पूरी करते थे। उनके थके होने को लेकर लगता था कि आबादी का एक हिस्सा बीमारी और वातावरण से जुड़ी दिक्कतों की वजह से नींद पूरी नहीं कर पाता था। 19वीं सदी से नींद से जुड़ी स्थितियां बेहतर हुईं और यहीं से दो चरण में सोने की आदत बदलने लगी। औद्योगिक क्रांति के साथ समय धन के बराबर कीमती हो गया। कार्यक्षमता और उत्पादन क्षमता को बहुत अहमियत दी जाने लगी। जल्दी उठने को लेकर अभियान भी चलाया गया। जो लोग नए तौर तरीकों के विरोध में थे उन्हें 1851 की लंदन में हुई नुमाइश में एक समाधान मिल गया। A quote-unquote alarm bedstead for early risers. जल्दी उठने वालों के लिए बनी अलार्म वाली चारपाई। घंटी बजने के बाद इसके आगे का हिस्सा नीचे हो जाता। ऐसे में सोने वाले के पैर पलंग से नीचे हो जाते। पलंग के निचले हिस्से में ठंडे पानी का टब होता ताकि नींद जल्दी से खुल जाए। ये इकलौती तकनीक नहीं थी। औद्योगिक विकास के साथ नींद से जूझने के लिए कृत्रिम रोशनी जैसी कई और चीजें सामने आ गई। पार्ट थ्री, नींद पर संकट। मैं कहूंगा कि अगर लोगों को नींद आ रही है या वो ऊंग रहे हैं तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। हमारे तीसरे एक्सपर्ट प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं। वो नींद के बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं। मैथ्यू वॉकर ये भी जानते हैं कि नींद के पैटर्न में कैसे बदलाव हुआ। Back in the 1940s, people were sleeping on average. 1940 के दशक में लोग हर रात औसतन 8 घंटे से कुछ ज्यादा सोते थे। आज के आधुनिक युग में हमारी नींद घटकर हर रात 6.7 या 6.8 घंटे हो गई है। 70 साल के दौरान नींद में हैरान करने वाली कमी आई है। वयस्कों के लिए आज की आधुनिक दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी वजह से नींद कम हो रही है। कैफीन हमें जगाए रखती है, शराब सपनों पर रोक लगा देती है, सोने से जुड़ी स्थितियां बेहतर हुई हैं, बेहतर गद्दे हैं, धुआं रहित घर है, लेकिन ये लगता है कि वातावरण पर काबू पाने से भी दिक्कतें बढ़ी हैं। One which people may find surprising is central heating. लोगों को हैरत हो सकती है, लेकिन दिक्कत की वजह सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है। जब सूरज छुपता है तो तापमान गिर जाता है।
जब सूरज निकलता है तो तापमान बढ़ने लगता है। शरीर तापमान में इस बदलाव को महसूस करना चाहता है, लेकिन हमने खुद को उस प्राकृतिक संकेत से दूर कर लिया है जो बताता है कि हमारे लिए सोने का वक्त क्या है। इसके अलावा असर तकनीक का भी है। इसमें सिर्फ कृत्रिम लाइटें ही नहीं बल्कि तमाम उपकरण भी हैं। इनमें एलईडी स्क्रीन भी है जिसमें से नीली रोशनी निकलती है। मैथ्यू बताते हैं कि ये नीली रोशनी रात के वक्त मेलाटोनिन नाम के प्रोटीन के निकलने पर रोक लगाती है। ये हार्मोन संकेत देता है कि आपको कब सो जाना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक दबाव भी बना रहता है कि हम ज्यादा काम करें और कम देर तक सोएं। प्रोफेसर वॉकर कहते हैं कि 7 घंटे से कम सोने का असर सेहत पर नजर आने लगता है। Every major disease that is killing us in the developed world. विकसित दुनिया में हमारी जान ले रही हर बीमारी, चाहे वो कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, व्यग्रता, डिप्रेशन, खुदकुशी करने की प्रवृत्ति हो, सभी का नींद की कमी से सीधा और मजबूत संबंध है। मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि अगर आप लोगों के बीच सर्वेक्षण करें तो पाएंगे कि करीब 65% लोग ज्यादा सोना चाहते हैं। 1980 के दशक में करीब 30% लोग ऐसा कहते थे। इसका कारण ये है कि आज के मुकाबले तब लोग ज्यादा सोते थे। पार्ट 4, अब नहीं सोना। It's not just about the sleeping less, it's about living more. बात कम सोने की नहीं बल्कि ज्यादा जीने की है। हमारी चौथी एक्सपर्ट जेसा गैम्बल लेखिका है। एक ऐसे वक्त में जब नींद और सपने गायब हो रहे हैं, वो एक ख्वाब देखती हैं। एक दिन इंसानों को नींद लेने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें पहली बार इसका ख्याल नैंसी क्रेस की किताब पढ़ते हुए आया। It posited that there was a... उन्होंने एक ऐसे संसार की रचना की जहां जिन लोगों को सोने की जरूरत होती थी वो निचले वर्ग से थे, और उन पर ऐसे लोगों का राज था जिन्होंने अपनी जीन में बदलाव कराए थे और उन्हें सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत बाद में मुझे महसूस होने लगा कि ऐसे लोग भी हैं जो हकीकत में ऐसी स्थिति हासिल करने की कोशिश में हैं। जैसा गैम्बल ये जानकारी हासिल करने की कोशिश में जुट गई कि वैज्ञानिक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं। अमरीकी सेना लंबे समय से नींद को दूर रखने की कोशिश करती रही है। इसके लिए नींद भगाने वाली चीजें जैसे कि कैफीन और दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि अगर नींद बेमतलब होती तो ये क्रमिक विकास की सबसे बड़ी गलती होती, और अगर हम कम देर तक सोना चाहते हैं तो हमें अच्छी नींद लेनी होगी। कुछ ऐसे शोध हुए हैं जिसमें ध्यान लोगों को जल्दी से जल्दी गहरी नींद की अवस्था में ले जाने पर रहा है। आपकी दादी बता सकती हैं कि चेहरा और हाथ गर्म हो तो नींद जल्दी आ जाएगी, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो आपकी दादी माँ नहीं बता सकती हैं। इसे कहते हैं पिंक नॉइस। ठीक वैसी ही आवाज जैसी आप रेडियो पर एक से दूसरे स्टेशन को सेट करते समय सुनते हैं। If you hear pulses of pink noise, अगर आप हर सेकंड पिंक नॉइज सुनते हैं तो वो आपकी स्लो वेव्स को चरम पर पहुंचा देंगी। इससे आप सुबह कहीं ज्यादा तरोताजा उठेंगे। जैसा गैम्बल कहती है कि चुंबक के सहारे से दिमाग तक विद्युतीय तरंग पहुंचाने का ख्याल थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये भी प्रभावी हो सकता है। लेकिन इस तरह की तकनीक अभी प्रयोगशाला तक सीमित है। हालांकि वो बताती हैं कि पिंक नॉइस पैदा करने वाले उपकरण जल्द ही बाजार में आ सकते हैं। People are talking about cutting off sort of 1 or 2 hours. मौजूदा तकनीक के जरिए लोग नींद के 1 या 2 घंटे कम करने की बात करते हैं, लेकिन एक संभावित परिदृश्य ऐसा भी है जहां जागते रहने के दौरान ही हमारी नींद की भरपाई हो जाए। ये कुछ वैसा ही होगा जहां एक विमान को हवा में ही ईंधन मिल जाए और उसे कभी जमीन पर उतरना ही ना पड़े। मैं ऐसे विचार को पसंद करती हूं। आखिर आगे के बारे में कौन जानता है। लौटते हैं उसी सवाल पर कि क्या थकान का हमारी नींद से कोई रिश्ता है। जैसा कि हमने एक्सपर्ट से सुना कि दूसरी चीजों के लिए नींद कुर्बान करना हमारी फितरत है, लेकिन तकनीक और सामाजिक बदलाव के जरिए हमने इसकी सीमा बहुत बढ़ा दी है।
इससे सोने के हमारे पारंपरिक तरीके और नींद लेने के कुल वक्त पर असर हुआ है। ऐसे में हैरानी नहीं है कि हम थकान महसूस करते हैं। विज्ञान की मदद से हम नींद की जरूरत कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी मुफ्त में आसान और दर्द ना देने वाले उपाय मौजूद हैं। और हाँ, यहाँ तक हमारे साथ रहने के बाद अगर आप अपनी आंखें बंद करके और तकिए पर सिर टिकाकर सो जाते हैं तो शायद ही कोई बुरा माने। उम्मीद है कि आप अच्छे सपने देखेंगे।